माउंट आबू स्थित ईश्वर विद्यालय प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान में राजयोगिनी बी के गीता बहन ने आज प्रवचन के दौरान बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप के लिए भी जीना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखें और साफ रखें, और कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा पूरे विश्व में 75 लाख पौधे लगाए गए हैं। प्रत्येक पौधे के लिए एक आदमी को उसकी देखभाल के लिए रखा गया है, जिसके लिए एक ऐप बनाया गया है। जो भी पौधा किसी कारणवश बड़ा नहीं होता है, उसके लिए कृषि विशेषज्ञ भी रखे गए हैं, और उस पौधे के जो जन्म लेता है वह उसको देखो जब तक बड़ा नहीं हो जाए पूरी जिम्मेवार लेगा। इस मौके पर भारतवर्ष दूर दराज से आए ब्रह्म कुमारी संस्थान की बहनों भाई मीडिया कर्मियों को उन्होंने जोरदार स्वागत कर अभिनंदन किया और बधाई दी, और कहा कि तुम परमात्मा के भेजे हुए हैं जो कि इस पावन स्थल पर आप आए। और वो हरे पेड़ केवल फोटो खींचने तक नहीं लगाए गए हैं, नहीं तो बहुत बार अभियान और कार्यक्रम तो हो जाते हैं लेकिन बाद में देखा जाता है कि वो जगह खाली पड़ी रहती है, लेकिन हर एक पेड़ को एक व्यक्ति को सौंपा गया है जो उसको बड़ा करने के लिए जिम्मेदार है। एक ऐप बनाया गया है जिसमें वो पेड़ रजिस्टर्ड है और उसकी प्रोग्रेस को वहाँ पर रिपोर्ट किया जाता है। मतलब जो भी काम है वो दिल से किया जाता है, और युवाओं के बीच में जब हमने डी एडिक्शन की यात्राएं की तो ये पाया गया कि भारतवर्ष में क्योंकि गांवों की संख्या ज़्यादा है तो अधिकतर युवा वर्ग न जानने के कारण व्यसनों की लत में फंस जाते हैं। अगर समय रहते उनको सही मार्गदर्शन मिलता है, प्रेम पूर्वक उनको समझाया जाता है तो वो नशे से मुक्त हो जाते हैं। और ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए 10 लाख लोग जो रेगुलर मेंबर है, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि चाहे उनकी पास लाइफ में कुछ भी था लेकिन आज उनके जीवन में न किसी प्रकार का व्यसन है, न वो फैशन में रहते हैं और न ही वो टेंशन में रहते हैं।